दोस्तों इस अंदोलन दे विच जड़ी जंग शुरू हो चुकी है केंद्र दे नाल, उस जंग दे विच हर कोई हिस्सा लेना चाहुंदा है तां अपने अपने घरां तों जंग शुरू कर दित्ती गई है। अपने अपने घरां तों अंदोलन की जड़ी शुरुआत है वह कर दित्ती गई है। तां एक फौजी नौजवान जिहड़ा कि साइकल दे उत्ते दिल्ली वल रवानगी जिहड़ी उह कीती जा रही है, इन्नी ठंड दे विच इन्ना वड्डा जज्बा जिहड़ा उह उस दे विच ही देखण नूं मिलदा पा, जिहड़ा कि वाकया ही अपने देश वास्ते अपने हकों वास्ते लड़ाई लड़ना चाहुंदा है। तो यह नौजवान दिल्ली वालों रवानगी करन जा रहे हैं। सब तो पहले अपना नाम दसो। मेरा नाम गगनदीप सिंह, मैं एक अथलीट हाँ, आर्मी के मैं सूबेदार पिंड हदायतपुर हलका मजीठा श्री अमृतसर साहब तो हाँ। मैं तो स्पोर्ट्स संबंधित मैं पहला भी गतिविधियां करता रहना, जिस तरह कि हर विधानसभा हल्के 20-25 किलोमीटर दौड़ के नशे खिलाफ पंजाबी बोली के प्रचार प्रसार वास्ते आप काम करते रहने। इस तो पहला भी 2 साल पहला मैं एक साइकलिंग की 480 किलोमीटर करतारपुर साहब के लांघे को समर्थन करते हुए 38 घंटे में समाप्ति की। सो अज फिर असी जी साइकलिंग यात्रा श्री अमृतसर साहब तो शुरू करके तो सिंह बार्डर जाना वा दिल्ली, एक किसानी मोर्चे का डटवा समर्थन करते हुए असी जा रहे हैं। तो असी जो वो यही मैसेज दे रहे हैं ठंड में चला के कि जोड़े साढ़े नौजवान पंजाब के बैठे आ कि ठंड बहुत आ रजाइया बैठे उन्हें कह कि रजाइया छड के तो बहर निकलो तो वध चढ़ के दिल्ली किसानी मोर्चे आप समर्थन करो तो हाजरियाँ भरो। देखा जाए तो जिस तरह तुम फौज के रिलेटिव जे पहले दुश्मन ना जंग लड़ी जाती सी, अज किस तरह लग रहा कि अपने ही देश के ना कि जंग का ही आप कह सकते हैं, चाहे अपने हकों वास्ते जिस तरह मर्जी कर रहे हैं जंग ही कह सकते हैं। तो किस तरह जदों असी जड़ा सामने दुश्मन होवे ना कोई भी तो वह पता हों कि साडा दुश्मन वह कोई ज़्यादा सानू दुख नहीं हों, पर जदों साडा कोई अपना घर का ये काम करता वा सानू धोखा दिंदा आ सानू बर्बाद करने की कोशिश करता है उस चीज़ का सानू जड़ा बहुत ज़्यादा दुख हों वा दिलों भी दुख हों वा, पर यह है भी इदा नहीं करना चाहिए। ये हौसला टुटता वा जवाना का हौसला टुटता वा जे आप क्योंकि देखो किन्ने जवान ने फौजी जवान आ साडे सरहदा से ड्यूटियां करते पे आ उन्होंने बाप जड़े ने प्यो घर के उत्थे दिल्ली दियां सड़कां ते इन्नियां ठंडियां ठंडे दिनों के उत्थे मोर्चे धरने ला के बैठे आ, ये किड्डी शर्म वाली गल आ। इदां इहनू सोच के कोई विचार के ते अपने इन्हां नूं बिलां रद्द करके उन्होंने हक उन्हां नूं दे के उन्हां नूं वापस घरां विच भेजना चाहिए आ, क्योंकि किसानी दे नाल संबंधित ही सारे जिहड़े जिन्हें भी महकमे ने नौकरियां करते नौजवान सारे किसानी से संबंधित आ, सरकार नूं चाहिए जल्दी जल्दी समाप्त करके उन्हां दी मंगा मन के रद्द करके तो उन्हां नूं घर भेज। सरकार नूं चाहिए पर चाहती नहीं पई, सरकार नूं नज़र नहीं आता पाया कि उत्थे बजुर्ग बैठे ने कितनियां मौतां हो चुकियां ने किसानां दीआं, 2-3 आत्महत्या कर लईआं गईआं किसानां वल्लों, तां सरकार समझण नूं तैयार नहीं है। देखो आप गलती कर लेने जदों भी किसी सरकार नूं असीं बहुमत विच चुण लैंदे आ ना, उह सरकार दा जिहड़ा हंकार आ वह असमाना छूंदा छूंदा आ। जिस तरह पहला कि कांग्रेस सरकार वेले भी असं इंदिरा गांधी को किन्ना देता सीगा बहुमत उदों भी उन्होंने की कुछ किया आ। सो मैं चाहना कि लोगों को सिक्ख्या लेनी चाहिए है इस तरह कदम बहुमत की सरकार ना चुन के उन्होंने इस तरह दिया वधिया सरकार चुन जड़ियाँ, क्योंकि जे यदि जगह होर कोई सरकार रली मिली होंगी तो हूँ कदे तो बिल रद्द हो जाने से, तो पर यह भी टस तो मस नहीं हो रहे, पर कोई नहीं होणगे अजे इन्होंने साडा होर जोर लवाना वा, कोई गल नहीं 6 महीने 5 साल लवा लेना असी तगड़े हो गए लड़ांगे कोई गल नहीं, जे मोदी जिद्दी आ तो असी भी घट जिद्दी नहीं आ, वो आप जिद जी साइकिल चला के तो पहुँच के विखावे भी असी सब कि एज कि मेरी कोई 35 साल के करीब एज है। तो लगता नहीं है कि ठंड बड़ी ज़्यादा होनी है सड़कों के उत्ते कल्या जाना वा, तो देखो जी साढ़े नाँ के नाल लग जाता सिंह, तो जो सिंह शब्द लग जाता वो इज्जत भी रखनी पैंती है, तो जो सिंह मतलब शेर हो गया तो जे आप इन्हें ठंडा ठुंडा तो डरेंगे तो साडा फिर कला ही होंदा सानू फिर सिंह लाने का कोई फायदा ही नहीं है, जे आप डर जाएंगे किस चीज़ का भी वापस आप मुड़ते हैं जां कितना भी सिंघां दी समझ मोदी नूं नहीं लगती वीवी ये भी अगर सारे सिंह खड़े तो मैं हूँ हट जावा इन्हें नहीं हटना कोई गल नहीं ना हटे मैं कह दिया आप 5 साल भावें लाना पवे आप 5 साल तक जरा मोर्चा चलावे मतलब परवाह ही नहीं किसी गल की हैगी। साडे बड़े पिंडां च नौजवान ट्रालियां तैयार कर रहे अजे भी बड़ी दुनिया जा रही है कोई गड्डियां ते जा रहे हैं,
कोई गल नहीं, जिन्ना चिर चलता जिन्ना चिर चलता चलन दो। जियो दी सिमा बंद करन दिया कर दे पे कि जियो दी सिमा बंद कर दित्ती जाण तां बड़े नौजवान कहिंदे पे कि टावर नहीं लगन देवांगे। तां हुण दूजे पासे पलटवार किया जाए कि टावर नहीं जिहड़े वा जे कोई टावर नूं उखाड़ेगा तो उत्ते कार्रवाई की जाएगी। किस तरह देखते जी कि अपने पंजाब दे नाल किते ना किते सूबा सरकार भी कह रहा भी नहीं, इस तरह लगता सही है या गलत है, तुहाडी राय की है? ते राय पुछणा चाहुंदा। राय है भी जिहड़ियां सिमां इहनां दीआं जिहड़ियां वा ओह बिल्कुल मतलब जियो दा ते नाम निशान ही मिटा देना चाहिए सानू पंजाब दे विचों। कहिंदे बच्चियां दा नुकसान हुंदा इस करके काम खराब हो, पढ़ाई होर लै लो तुसीं जां होर कंपनियां दीआं लै लो कोई चक्कर अपना, पर इह भी हुण बच्चियां दी पढ़ाई जरूरी है कि जां आपां नूं खाणा जरूरी है? पहलां इह दस्सो, पहलां आपां नूं खाण दा प्रबंध करना चाहिए भी साडा भविख की करेगा। बच्चियां दा देख एक 10-15 दिन हो भी जांदे आ तां तुहानूं दूजियां दे नाल दूजियां नाल उस वेले टाई अप कर लो, असल पढ़ाई करनी आ कन्वर्ट हो जाते हैं तो मुड़ के जमीना चली गए फिर भविख सारा। जमीना के नाल ही सारे कारोबार चलते हैं, दुकाना वाले भी चल तुसी देख लो भी जे बिहार का तुसी ला लो उतो के 10-10 एकड़ वाले बंदे इतने आते हैं, इतने आण के दिहाड़ियाँ करते तो बड़ी माली हालत उन्होंने कई बार तुसी देखोगे ना ड्रैस तो तुहानूं जिहड़ा वो वेखण दे विच बड़ा हुंदा वी यार एडे इन्हां दे तगड़े बंदे आ जमीना इन्हां दीआं पर इन्हां को इन्हां दा वो तरीके नाल स्टैंडर्ड जिहड़ा नहीं हैगा। पर यह भी जे आज कोई जमीन नहीं बचनगिया अभी पढ़ाइया करना, जो बिल्ला का कोई नहीं सोचती केंद्र तो आने वाला समा किस तरह देखते दे जे बीजेपी का? बीजेपी का इतने तो तुम्हें पता ही है कि बन दिया वा रोज़ दोज़ इतों के नाम निशान उन्होंने खत्म ही है। किसान भी जो भी इस अंदोलन शामिल हो रहे हैं बाहर? हाँ जी बाहरों देशों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वेखो किडे लोग स्पैशल टिकटा लै लैके यूपी बिहार के उन्होंने भी समझ लगनी शुरू हो गई कि नहीं है गलत हो साडे नहीं नहीं हूँ जो पता की आ पहला कोई डरता बोलता नहीं सगा जो पंजाब ने अगे हो गए नाके तोड़ के उत्थे घर जो पहुँच गए इन्होंने अपनी दलेरी विखाई आ हूँ सारे देश का किसान जिहड़ा इन्हां दे नाल जुड़ता जा रहा दुखी तो वह पहला ही सी पर उन्होंने मौका नहीं सी मिलता पाया हूँ पंजाब के पिछे लग के कि जिहड़ा उन्होंने बड़ी वधिया महसूस हो रहा भी ये साढ़े लगे आ ते हूँ वह सारे नाल दे नाल जिहड़े जुड़ते पे आ उन्हां दा हौसला वध गया। पहला कहणदा नहीं कोई डरता बोलता नहीं सी जो पंजाब वाले साढ़े पहुँच गए तो वो जो पिछे हम साढ़े आ गए भी कहीं इन्हों के नाल आ जो ये कहे असं इन्हों की अगवाई जरा करनी तैयार हैं। भाजी सीना चौड़ा हो रहा कि साढ़े पिंड का नौजवान दिल्ली वाल रवाना हो रहा सैकल के उत्ते एक चंकी पहल कर जा रहा। बिल्कुल जी साडा छाती इस वे माण नाल भरी पई है कि साडा वीर सैकल तो इन्नी ठंड कड़ाके की ठंड धुंद चल रहा तो सानू इस गल तो यकीन है कि असं ये जित जित के मुड़ांगे क्योंकि मोदी भावें जिन्ना जिद्दी कह रहे हैं उम्र के तकाजे जी सा कौम है बड़ा वाला टारगेट रखती है। साढ़े गुरु दसवें पातशाह ने 1699 आख्या राज करेगा खालसा, एक 100 साल साढ़े व्डिया ने जदोजहद करके तो महाराजा रणजीत सिंह का राज खालसा कायम कर दिता सी, वो असी 100 साल का टारगेट भी लेके मिथ के चल सकते हैं। ये सरकार के होर 3.5 साल रह गए कि चिर चलेगी, ये साढ़े वास्ते कोई वाला टारगेट नहीं गा, ये जित जित के मुड़नगे किसान, ये कानून रद्द करा के मुड़ांगे। हुण कल्ला पंजाब हरियाणा हिमाचल नहीं जिन्हें हिंदुस्तान के सारे सूबे ने सारे किसान जाग उठे ने सारे किसान जड़े वो साथ दे रहे ने। सो इस करके बाहरले देशों विचों कनेडा अमरीका इंग्लैंड सारे देशों विचों भी किसान जड़े आ रहे ने। सो कल्ला किसान ही नहीं साढ़े नाल मजदूर दुकानदार वकील डॉक्टर वड़े वड़े अफसर जड़े वो साथ दे रहे, उन्होंने पता जे किसान बचेगा तो सारा हिंदुस्तान दुनिया बजेगी, जो किसान ना रहा तो कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल किसान ना रहा तो कुछ नहीं रहेगा, पूरा पिंड इस वे असं कह सकते कि इतने पहुंचा हुआ तो नाम है? मेरा नाम बसंत सिंह है जी। की कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता कि ये मोदी ने अपनी जिद छड़नी चाहिए क्योंकि जिद तो पंजाब वाले ने वे वे तोड़ती नादर आया अबदाली आया उन्होंने जदों का सिख कौम का पंजाब उत्थान होया उदों बाद कोई पछम वालों हमला नहीं होया हिंदुस्तान से, जो अंग्रेज आए आ वह भी पूर्व वालों आए आ। इस करके जो मोदी नूं मोदी साढ़े हाथ कोई वड्डी चीज़ नहीं, असी लम्मा टारगेट लैके चल रहे हैं तो असी अपनी मंगा मना के गुरु घर के दर्शन करके फिर वापस मुड़ांगे। इन्हां कहिंदा समाप्त करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो देख सकते जे कि इन्हां वल्लों कितना कितने जज्बा दिखाया जा रहा कि जदों तक यह जंग नहीं जितांगे उदों तक असी इस तरीके दे नाल ही लगातार जंग दे विच शामिल होंदे रहांगे, हर घर तो जंग है जिहड़ी शुरू करांगे। क्योंकि तस्वीर जिहड़ियां ने विलखण तस्वीर जी तुहाडे नाल असीं सांझियां कर रहे हैं तो यह नौजवान हुण दिल्ली वल नूं रवानगी जिहड़ी इन्हां वल्लों की जा रही है। अपने जिहड़े पिंड वाले जिहड़े इत्थे ने जिहड़े रिश्तेदार सके संबंधी ने वो इत्थे गोल्डन गेट ते पहुंचे ने इस जगह तो रवानगी देने वास्ते इस नौजवान नूं। तो एक वड्डी पहल जिहड़ी असीं कह सकते हैं कि कितना कितें तमाचा है सरकारां दे मूंह दे उत्ते तमाचा है कि जेकर सरकार
हजे तक भी जो गल साडिया नहीं सुनगियां जे आ बिल रद्द नहीं करनगियां तां आने वाले समय च सरकारां नूं भी महंगा पएगा। तां असी यह कह सकते हाँ कि यह नौजवान दी दिल्ली वाल नूं रवानगी दे उत्ते असी एक खास तस्वीरां जिहड़ियां सांझियां करदे पए तां अमृतसर दे विच गोल्डन गेट तो यह रवानगी की गई आ। कैमरामैन दलीप दे नाल सुखचैन सिंह अमृतसर। दोस्तों इस अंत